नमस्कार बंधुरा, आज थार्ड मे तुम्हारे एसएससी एमटीएस फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट और थार्ड शिफ्ट एग्जाम किन्तु सम्पूर्ण रूपे समाप्त हो गए। फर्स्ट शिफ्टर वीडियो आज के दुपुरे तुम्हें दिए सेकेंड और थार्ड शिफ्टे जे समस्त जीके प्रश्न एसेछे सेगुलो आज के तुम्हारे साथ शेयर करब। तो वीडियोटी अवश्य शेष पर्यंत देखबे, जदि भालो लागे लाइक करबे एवं नतून हुए थाकले चैनलटिके सबसक्राइब करे पाशे थाकार चेष्टा करबे। चलो एके एके आमरा प्रश्न देखे नेब एवं सत्यि कथा बोलते आज के तोमादे किन्तु प्रश्न अनेकटाइ सहज प्रश्न एसेछिलो। ठीक आछे, चलो प्रश्नगुलि एके एके देखे नेवा जाक। चलो प्रथम प्रश्न देखो, दक्षिण भारत गंगा काके बोले? दक्षिण भारत गंगा बोले गोदावरी के। हॉकी खेल में कत जन खेलोड़ थे? एगारो जन। हॉकी खेल में प्रति दले एगारो जन खेलोड़ थे। ब्राह्म समाज प्रतिष्ठाता के? ब्राह्म समाज प्रतिष्ठाता हे राजा राममोहन राय। एक बुक एंड अथर थे एक प्रश्न एस द मैन हू नो इनफिनिटी बोर लेखक हे श्रीनिवास रामानुजन। तुम्हारे आगे बोले देखो जे बुक्स एंड अथर थे क्योंकि प्रत्येक शिफ्टे तुम्हारे को ना को प्रश्न आसछे। एरपर प्रश्न, पंचमृत योजना कौन राज्य सरकार चालू करे? सठिक उत्तर हो जाए उत्तर प्रदेश। हर्षवर्धन सभाकविर नाम कि? सठिक उत्तर हो जाए बाणभट्ट। परवर्ती प्रश्न, प्रश्न नम्बर सात, जेटा किन्तु तुम्हारे प्रश्न रिपीट हो फर्स्ट शिफ्टे तुम्हारे प्रश्न एक बार एस, रुक्मिणी देवी को नृत्य संगे जुक्त? भरतनाट्यम। ओस्ताद शाहमेद आहमेद खान को वाद्यजंत्र संगे जुक्त? तबला। असमे फसल काटार समय कौन उत्सव पालन करा है? भोगाली बिहू। तो उत्सव थे तुम्हारे प्रश्न आसछे। निजे कौन केंद्रशासित अंचले निजस्व हाईकोर्ट रोचे? तो सठिक उत्तर है दिल्ली। और एक प्रश्न एरक एसे निजे कौन मौलिक अधिकार दिए चार्ट अपशन देवा सठिक जो है से तुमको अवश्य बेचे नीते। प्रार्थना समाज प्रतिष्ठाता के छिले? प्रार्थना समाज प्रतिष्ठाता छिले डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। गोरखपुरे कौन रेलवे सदर दफ्तर अवस्थित? तो गोरखपुरे हे उत्तर पूर्व रेलवे सदर दफ्तर अवस्थित। 2021 अभिनंदन सरोजा जातीय पुरस्कार प्रापक नाम कि? तो 2021 अभिनंदन सरोजा जातीय पुरस्कार प्रापक नाम हे अर्पणा सतीशान। परवर्ती प्रश्न, प्रश्न नम्बर 15, कनेरू हम्पी कौन खेलार साथे जुक्त? सठिक उत्तर हो जाए दाबा। प्रश्न नम्बर 16, भीसत्य नारायण राम शर्मा को नृत्य संगे जुक्त? सठिक उत्तर हो जाए कूचिपुड़ी। तो विभिन्न नृत्य संगे जड़ित व्यक्ति ठीक है बा भारत जो प्रचलित लोकनृत्य रही है कौन व्यक्तर सकते कौन वाद्यजंत्र जड़ित कौन व्यक्ति कौन खेल जड़ित एखान प्रश्न अवश्य तुम्हारे आससे। उत्सव थे प्रश्न आससे। बैशाखी उत्सव कथाए पालित है? मूलत पंजाब और हरियाणा राज्य क्योंकि बैशाख उत्सव पालित है। 2001-2011 साल पर्यंत कौन केंद्रशासित अंचले जनसंख्या सर्वाधिक छिल? सठिक उत्तर हो जाए दिल्ली। प्रश्न नम्बर 19 देखो, 1894 साले दक्षिण आफ्रिकाय महात्मा गांधी कीसर स्थापना करेछिलेन? सठिक उत्तर हो जाए नेताल इंडिया कांग्रेस स्थापना करेछिलेन। प्रश्न 20, सेलुकास निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य दरबारे काके पाठिएछिलेन? सठिक उत्तर हो जाए मेगास्थिनिस। सेलुकास निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य दरबारे किन्तु मेगास्थिनिसके पाठिएछिलेन। परवर्ती प्रश्न देखो, 2001 साले भारतरत्न प्रापक सानाई वादक के छिलें? सठिक उत्तर हिसेबे बिस्मिल्लाह खां। प्रश्न नम्बर 22, विजयनगर साम्राज्य विखंड हो कौन युद्ध द्वारा? सठिक उत्तर हिसेबे तालिकोटा युद्ध द्वारा किन्तु विजयनगर साम्राज्य विखंड हो। एक बोयेर नाम इसे द इंडियन स्ट्रागल फर इंडिपेन्डेंस बोईटे रचयिता हे बिपिन चंद्र पाल। तुम्हारे क्योंकि बार बार बी प्रत्येक शिफ्टे क्योंकि बुक्स एंड अथर थे तुम्हारे को ना को प्रश्न आससे। महाबलीपुरम स्मारक कौन वंशर संगे सम्पर्कित? सठिक उत्तर हिसेबे पल्लव वंशर संगे सम्पर्कित। प्रश्न नम्बर 25 कि बोले देखो, पद्म सुब्रमण्यम कौन नृत्य संगे जुक्त? नामटाओ एकटु भरतनाट्यम ठीक है। पद्म सुब्रमण्यम कौन नृत्य संगे जुक्त? भरतनाट्यम संगे जुक्त। आज के हमारे शेष प्रश्न, 2024 दक्षिण एशियन गेम्स कोथाय अनुष्ठित हबे? तो 2024 दक्षिण एशियन गेम्स अनुष्ठित हबे पाकिस्तान। चलो এই ছিল লেটেস্ট কতগুলি প্রশ্ন, গুরুত্বপূর্ণ 26টি প্রশ্ন তোমাদের সাথে আলোচনা করলাম। ঠিক আছে, এই প্রশ্নগুলো কিন্তু তোমাদের আজকে এসেছিল। তো এভাবে তোমাদের কন্টিনিউ প্রশ্ন দিতে থাকবো। আবারও বলছি লাইক করবে, নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে থাকবে। প্রশ্ন খুব একটা কঠিন আসছে না, সহজ আসছে। যারা পড়াশোনা করে পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত তাদের কাছে প্রত্যেকটা প্রশ্নই কঠিন বলে মনে হবে। কিছু কিছু 3-4 কোশ্চেন আছে যে একটু হার্ড ঠিক আছে, একটু মডারেট হার্ড লেভেলের, তো সেটা প্রত্যেকটা পরীক্ষায় থেকে থাকে। চলো আশা করছি যারা আজকে এক্সাম দিয়েছো তাদের প্রত্যেকের এক্সাম ভালো হয়েছে, ইংলিশও ভালো হয়েছে এবং জিকেটাও অনেকটা ভালো হয়েছে। চলো ভিডিওটি এখানে শেষ করছি, যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করবে, নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে আবারও বলছি সাবস্ক্রাইব করে থাকার চেষ্টা করবে। জয় হিন্দ বন্ধুরা।